healthid.ndhm.gov.in। आप इसी वेबसाइट में भी ABHA कार्ड मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है उसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी वेबसाइट में आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट में जाएं, ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ABHA नंबर, उसके ऊपर क्लिक कर दें, देन सिलेक्ट करें यूजिंग आधार, देन क्लिक कर नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, देन यहां पे आधार नंबर की जगह पर आपका आधार नंबर डाल दें। याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी वेबसाइट में अगर आप आयुष्मान भारत की डिजिटल हेल्थ अकाउंट खोल रहे हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ये डिजिटल हेल्थ अकाउंट जो है नहीं कर सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आई एग्री को सिलेक्ट करें, देन जो कैप्चा कोड है आई एम नॉट ए रोबोट उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा दोस्तों, वो OTP यहां पे एंटर करें, देन क्लिक कर नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पे आप आपकी आधार प्रोफाइल डिटेल जो है देख सकते हैं, देन क्लिक कर नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट यहां पे आपको आपकी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है दोस्तों। तो ऊपर देखिए आपको एक लिखा हुआ मिल जाएगा, इट्स रिकमेंडेड दैट यू यूज द मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर यहां पे आप डाल सकते हैं, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो भी आप डाल सकते हैं, देन क्लिक कर नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, देन एंटर योर ईमेल आईडी हियर। यहां पे आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देना है, देन क्लिक कर गेट OTP, देन आपकी ईमेल में एक OTP गया होगा दोस्तों, वो OTP वहां से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट करें और क्लिक कर कंटिन्यू। अभी आप देख सकते हैं आपका ईमेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है दोस्तों, और आप यहां पे आपका ABHA नंबर जो है देख सकते हैं क्योंकि वो क्रिएट हो गया है। अभी आपको करना क्या है, लिंक ABHA एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, सो क्लिक ऑन दैट, देन यहां पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव वन एग्जिस्टिंग ABHA एड्रेस, सो सिंपली क्लिक ऑन नो, देन क्लिक ऑन साइन अप फॉर ABHA एड्रेस। नेक्स्ट यहां पे आपको ABHA एड्रेस जो है क्रिएट करना है दोस्तों, तो सिंपली यहां पे आप आपका नाम भी लिख सकते हैं या फिर नाम के आगे कुछ नंबर वगैरह भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो एड्रेस दिया जाएगा वो यूनिक रहेगा दोस्तों ईच एंड एवरी पर्सन के लिए। अगर आप दिए गए एड्रेस पे कोई बंदा पहले से रजिस्टर कर लिया है तो आप नंबर वगैरह चेंज करके उसको कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे आप ईमेल के लिए साइन अप करते हैं जीमेल में, ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको आपका एक यूजर आईडी समझ लीजिए, यूजर आईडी की तरह उसको फाइंड आउट करना है कौन सा अवेलेबल है। तो हमारे केस में ये अवेलेबल हो गया है दोस्तों, देन क्लिक ऑन क्रिएट एंड लिंक, और यहां पे आप देख सकते हैं योर ABHA नंबर हैज बीन लिंक्ड टू ABHA एड्रेस, देन क्लिक ऑन गो बैक टू योर ABHA नंबर अकाउंट। नेक्स्ट इसको क्लोज कर दें दोस्तों, क्लोज करने के बाद फिर से आप होम पे जाएं, यानी कि healthid.ndhm.gov.in उसी वेबसाइट में जाएं, अगेन क्लिक करें क्रिएट ABHA नंबर, देन यूजिंग आधार नंबर सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर नेक्स्ट, और यहां पे आपको आधार नंबर दे देना है, नीचे आई एग्री का जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन कैप्चा कोड आई एम नॉट ए रोबोट, देन क्लिक कर नेक्स्ट। आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है उस OTP को यहां पे एंटर कर लेना है, देन क्लिक कर नेक्स्ट, और देखिए दोस्तों यहां पे आपका ABHA नंबर कार्ड जो है दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है डाउनलोड ABHA नंबर कार्ड। तो इसी तरह आप हेल्थ आईडी के वेबसाइट में भी ABHA कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत की जो डिजिटल हेल्थ अकाउंट है उसकी कार्ड बना सकते हैं।